गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जगतू द गार्डनर, जगतू माली आज पढ़ेंगे, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ गार्डनर कॉल्ड जगतू। ही वॉज एम्प्लॉयड इन द किंग्स गार्डन। इट वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन। जगतू यूज टू स्पेंड द होल डे इन द गार्डन। ही यूज टू गो होम ओनली एट नाइट। बहुत समय पहले की बात है, एक माली था जिसका नाम जगतू था। वह बगीचे में माली का काम करता था, राजा के बगीचे में, ठीक है। वहाँ एक सुंदर वह एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। जगतू का पूरा दिन उस बगीचे में, उस गार्डन में बीतता था। केवल रात को ही वह अपने घर जाता था। वंस नाइट हाउएवर ही हैड टू रिमेन इन द गार्डन। सडनली ही हर्ड अ लाउड नॉइस। जगतू हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड अ बिग ट्री इन अ ग्रेट फियर। He saw a large elephant descending from the sky. It was roaming about in the garden. After a while, Jagtu left his hiding place and sat down on the edge of a tank. As he sat there, he said to himself, "In my whole life, I have never seen such an enormous elephant. But I remember about a heavenly elephant called Airavat. No doubt this is that elephant." He got up and began to walk quickly. After that, the elephant ate at various fruit and roots that grew in the garden. Jagtu caught its long tail when it was about to exit to the sky again. एक रात को वैसे ही जैसे ही वो अपने घर जाने वाला था, बगीचे में, बगीचे से अपने घर की ओर, अचानक से उसको एक बड़ी बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देती है, बहुत लाउड वॉइस होती है। जगतू बेचारा फियर हो जाता है, मतलब डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। उसके बाद देखता है कि उसे एक हाथी दिखाई देता है जो आसमान से नीचे उतरते रहता है, और जैसे ही वो उतरता है बगीचे में इधर उधर घूमने लग जाता है। कुछ समय बाद वो अपनी जगह छोड़ता है जहाँ वो छिपा था, और उस मन में सोचता है कि अपनी पूरी लाइफ में, अपनी होल लाइफ में मैंने एक ऐसा विशाल काय, इतना बड़ा हाथी नहीं देखा है, लेकिन मुझे स्वर्ग के हाथी के बारे में याद आ रहा है जिसका नाम एरावत है। इसमें कोई शक नहीं कि ये वही एरावत है जिसके बारे में मैंने सुना है। वह उठता है और धीरे से उस हाथी के पीछे चले जाता है, और अलग अलग प्रकार के फूल फल जो हाथी खा रहा था उसे देखता है। जगतू उसकी लंबी पूँछ पकड़ लेता है, जब वह आसमान में उड़ने वाला ही होता है, कौन, एलिफेंट। When they arrived in heaven, Jagtu let go an elephant's tail. Airavat departed for Indra's place, and Jagtu began to roam about in the heaven. Everything was such a huge size that the sight filled him with amazement. He got some betel leaves, paan patta, and some betel nuts, supari. Both the betel leaves and the betel nuts were very big. जब वह स्वर्ग में पहुंच जाते हैं तो जगतू हाथी की, एलिफेंट की पूंछ को छोड़ देता है। एरावत इंद्र के महल में चला जाता है, ठीक है। जगतू अपने स्वर्ग में घूमते रहता है, हेवन में घूमते रहता है। उसे देखता है कि सारी जो चीज़ें थी वो आकार में, शेप में, साइज में बहुत बड़ी थी। बेटल लीव्स मीन्स पान पत्ता, बेटल नट्स मीन्स सुपारी, दोनों ही साइज़ में बहुत बड़ी थी। उसे देखकर बहुत आश्चर्य होता है। नेक्स्ट नाइट एरावत वेंट डाउन टू द गार्डन विद जगतू हैंगिंग ऑन टू इट्स टेल। एज सुन एज दे गॉट देयर, जगतू लेट गो द टेल एंड हरीड बैक होम। हिज वाइफ हैव वॉज लुकिंग फॉर हिम। एज सुन एज सी सॉ हिम कमिंग, सी रैन टू मीट हिम एंड क्राइड, वेयर हैव यू बीन। जगतू विदाउट सेइंग अ वर्ड ब्रॉट आउट द बिग बैट betel leaves and betel nuts. At sight of them his wife was filled with joy. "Where did you get this?" she exclaimed. अगली रात को जब एरावत बगीचे में आता है तो जगतू उसकी पूंछ को पकड़ के नीचे आ जाता है, और जैसे ही नीचे आता है जगतू उसकी पूंछ को छोड़ देता है और जल्दी से अपने घर चले जाता है। उसकी पत्नी उसका इंतज़ार कर रही थी, और जैसे ही उसे देखती है वह जोर से चिल्लाकर दौड़ती है और बोलती है कि तुम कहाँ गए थे। जगतू बोलता है, बिना एक शब्द कहे वो अपनी पत्नी को पान का पत्ता और सुपारी, बेटल लीव्स एंड बेटल नट्स दिखा देते हैं, ठीक है, और दिखा देते हैं। और उनकी पत्नी खुश होकर क्या पूछती है, तुम्हें यह कहाँ से मिला।
Jaktu then told his wife all about his adventure. He also told her not to tell it to anyone, but she told the whole story to a friend of her. Soon everybody in the village knew about it. The villagers asked Jaktu to take them also to heaven. Jaktu ne fir apni patni ko sari जो भी घटना हुई थी, सारे जो एडवेंचर हुआ था उसके बारे में बताया, और उसने कहा कि ये बात किसी को भी मत बताना, ठीक है। लेकिन उनकी पत्नी क्या करती है, अपनी एक सहेली को बता देती है, और धीरे धीरे ऐसी बात करते करते ये जो घटना है, जो एडवेंचर है, वो सारे गांव वालों को पता चल जाती है। गाँव वालों ने जगतू से कहा कि हमको भी हेवन लेके चलो, हमको भी स्वर्ग ले चलो, ठीक है। That night when the elephant was about to depart, Jaktu quickly got behind him and caught his tail. Then they all held on another is a quick on their way. A friend of Jaktu's wife asked her, how big was the betel nut that your husband brought home? His wife repeated the question to Jaktu. Jaktu said that he would answer that later, but she instead. जब उस रात को जब हाथी उड़ने वाला था, जगतू ने जल्दी से उसके पीछे जाकर उसकी पूंछ पकड़ ली। फिर उन सभी ने एक करके सभी को पकड़ के एक क्या बना ली, कतार बना ली, लाइन बना ली। रास्ते में जगतू की पत्नी की सहेली ने उससे पूछा, वह सुपारी मीन्स जो बैटल नट था वो कितना बड़ा था? तो तुम्हारा पति जो स्वर्ग से लाया था, उसकी पत्नी ने यही प्रश्न किससे किया, जगतू से किया, ठीक है। तो जगतू ने कहा कि वह इस प्रश्न का उत्तर बाद में देगा, परंतु उसकी पत्नी ने जिद की कि मुझे बताओ कि वह कितना बड़ा था, ठीक है। तो देखिए, सभी एक दूसरे के पीछे ऐसे लगे थे। देखिए, पहले जगतू उसकी पूंछ पकड़ा था, देन उसकी वाइफ उसके पैर को पकड़ी थी, ऐसे ऐसे करते करते सभी एक दूसरे के पीछे थे। जगतू लॉस्ट पेशेंट एंड स्प्रेडिंग हिज हैंड एंड सेड दिस बिग एज ही स्प्रेड हिज आर्म्स टू शो द साइज ऑफ नट ही लॉस्ट हिज ग्रिप ऑन द एलिफेंट्स टेल एंड इन अ मोमेंट दे ऑल केम ट्रम्बलिंग डाउन। सो जगतू की जो पत्नी थी उसने जिद की कि वो मुझसे बताए कि बैटल नट था वो कितना बड़ा था। तो जगतू अपना धैर्य को खो देता है, अपने पेशेंट को खो देता है, और उसने हाथ फैलाकर कहता है कि इतना बड़ा था करके अपने दोनों आर्म्स को क्या कर देता है, फैला देता है। पर जैसे ही उसने सुपारी का आकार बताने के लिए अपने हाथ फैलाए, उसकी हाथ से हाथी की जो पूंछ थी, हाथी की जो टेल थी, वो क्या हो गई, छूट गई, और वे सारे आसमान से नीचे गिर गए, है ना। इसके साथ ही हमारा जगतू द गार्डनर स्टोरी यहीं पर फिनिश होती है। आई होप सो ये स्टोरी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आप इसके वर्ड मीनिंग अच्छे से लर्न कर लेंगे, वर्ड मीनिंग लर्न कर लें, और आप अगर चैप्टर अच्छे से सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो इसके क्वेश्चन आंसर भी आसानी से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।